वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, बस कुछ ही देर के बाद वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले हैं। वेंकैया ने नामांकन से पहले मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर यह है कि स्मृति ईरानी को वेंकैया नायडू की जगह सूचना प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। स्मृति ईरानी अभी कपड़ा मंत्रालय संभाल रही है और अब उनके पास सूचना प्रसारण मंत्रालय का भी जिम्मा होगा। इसके अलावा वेंकैया की जगह नरेंद्र सिंह तोमर को शहरी विकास मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। विकास भदौरिया हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। विकास, स्मृति ईरानी को अतिरिक्त प्रभार और क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, कल वेंकैया नायडू ने रात में जब उनको एनडीए के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया था, उसके बाद उन्होंने अपने दोनों मंत्रालयों से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में ये मंत्रालय का चार्ज किसी ना किसी को दिया जाना था। कई नामों के विकल्प विचार करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया कि जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है वो स्मृति ईरानी, जो कि फिलहाल कपड़ा मंत्रालय का प्रभार है जिनके पास, वो देखेंगी, और शहरी विकास मंत्रालय जो नरेंद्र सिंह तोमर है जिनके पास अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो देखेंगे। तो दोनों मंत्रालय जो वेंकैया नायडू के इस्तीफा देने के बाद खाली थे, अब उनको स्मृति ईरानी और नरेंद्र सिंह तोमर को उसका चार्ज दे दिया गया है। फिलहाल ये अतिरिक्त प्रभार इन दोनों को ही सौंपा गया है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में विकास कहा जा रहा है मोदी मंत्रिमंडल अपना विस्तार भी उसमें उसकी पूरी गुंजाइश है, क्योंकि इसके पहले भी चाहे रक्षा मंत्रालय की बात करें, पर्यावरण मंत्रालय की बात करें और अब दो मंत्रालय और, यानी कि चार चार मंत्रालय ऐसे हैं जहां पर अभी पूर्ण रूपेण कोई मंत्री नहीं है, तो आगे आने वाले वक्त में फेरबदल भी संभव है। या बिल्कुल, संसद का ये मानसून सत्र है, इसके बाद हमारे बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल करेंगे। ये चार मंत्रालय जिनके अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं, मनोहर पर्रिकर जो कि गोवा के मुख्यमंत्री बनकर चले गए थे, उनके पास रक्षा मंत्रालय था, उसका चार्ज अरुण जेटली के पास है, जबकि अनिल माधव दबे की 2 महीने पहले मृत्यु हो गई थी, उसका चार्ज डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है। तो ये चार मंत्रालय हैं जिनका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है दूसरे मंत्रियों को, और चारों बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सरकार की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, अर्बन डेवलपमेंट सरकार की जो शहरी विकास की योजनाएं हैं और जो 100 स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का, उस दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पर्यावरण मंत्रालय भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़े छोटे से लेकर बड़े हर प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण की एनओसी चाहिए होती है, और क्लाइमेट चेंज को लेकर दुनिया भर में इस समय बड़े पैमाने पे चीजें बदल रही हैं। तो ऐसी सूरत में इन चारों मंत्रालयों के अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि उन तमाम मंत्रालयों का जहां पर परफॉर्मेंस मंत्रियों का बेहतर है या बेहतर नहीं हो पाया है, उसके हिसाब से भी फेरबदल किया जाए। तो निश्चित रूप से संसद के मानसून सत्र के बाद बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। राजकिशोर भी इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकिशोर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था स्मृति ईरानी के पास, बाद में उसको हटाकर कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी गई और अब अतिरिक्त प्रभार INB का दिया गया है, कैसे देखा जाए इसको? देखिए, फिलहाल जैसा अभी विकास ने बताया कि ये मुझे लगता है कि अभी तात्कालिक एक अरेंजमेंट किया गया है, और जाहिर तौर पर वेंकैया नायडू के पास INB मिनिस्ट्री थी, लेकिन अगर देखा जाए तो राज्यवर्धन राठौर जो वहां पर राज्य मंत्री हैं पूरी तरीके से वही वो जिम्मेदारी संभाल लेते, क्योंकि वेंकैया नायडू के पास संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ साथ में उनका अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी थी, तो उस तरीके से बहुत ज़्यादा काम करने को वेंकैया नायडू के पास था नहीं। अब ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बतौर प्रवक्ता बहुत अच्छी तेजस्वी प्रवक्ता हैं स्मृति ईरानी, लेकिन उनको इस तरीके का प्रभार ये आगे कंटिन्यू करते हैं प्रधानमंत्री या नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का चुनाव उसी समय संसद सत्र खत्म होगा, इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि मोदी सरकार का ये इस सरकार का अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार होगा, और उस समय तमाम जो प्रदर्शन मंत्रियों का है और जरूरतों के हिसाब से जो राजनीतिक जो समीकरण होंगे उनको बैठाते हुए ये एक नई जिम्मेदारियां लोगों को दी जाएंगी। उस समय स्मृति ईरानी और तोमर अपने अपने इन मंत्रालयों में रह पाते हैं, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि क्या INB जो मंत्रालय स्मृति ईरानी को दिया गया है और नरेंद्र सिंह तोमर को जो शहरी विकास मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जब फेरबदल होगा मोदी मंत्रिमंडल में, क्या उस वक्त ये जिम्मेदारी इन्हीं के पास रहती है या फिर बदल दी जाती है, इस पर बनी रहेगी ABP न्यूज की नजर। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।